स्ट्रॉन्ग जरा बेटा स्ट्रॉन्ग कौन है, कोई मास्टरमाइंड बताओ। कोई नहीं, एक एक करके बात करते हैं ना। स्टे स्ट्रॉन्ग। हाँ स्ट्रॉन्ग बचोगे भाई, इतने स्टाइल में बनाए हो, दाढ़ी वाड़ी रखे हो, और कहाँ फंस गए इस काम। कब से भर्ती हो इसमें? सर अभी गया था, छह सब अभी जाते हैं जो पकड़ाते हैं और काम करते हैं। छह सात दिन और अभी नया गया। कहाँ रहने वाले हो तुम? कहाँ के? जामन। तो तुमने फेसबुक पे और बाकी जो देखा नहीं है क्या कि जो महादेव यहाँ पे भर्ती नहीं होना? अरे छह महीने से पहले जमानत नहीं होगी तुम्हारी। अब तुम्हें मजाक समझ रखा है, गैर जमानती जमानती धाराओं में होगा, निकल जाएंगे बाहर नेक्स्ट डे, यही सोच के गए होगे तुम। किसने भर्ती किया तुम्हें? हाँ तो बताया किसने तुम्हें कि वहाँ पे चल रहा है अंबिकापुर में? कौन दोस्त तुम्हारा? कौन दोस्त? कौन? जाओ क्या नाम है तुम्हारा? दीपक कुमार ध्रुव। दीपक कुमार ध्रुव, एक फिर डायरी बनाया हुआ देख के। अपने भाई हो क्या? सगे भाई हो क्या? भाई तो जनाब, भाई साहब इसको क्या बोल के ले गए आप इसको? सर एक भैया थे सद्दाम भैया, उसके थ्रू मैं गया था, तो भी बोला काम की जरूरत है। तुमने तो देखा नहीं क्या मीडिया के थ्रू कि जेल होती है इसमें? तुमने फोटो बोला होगा इसको जमानत तो तुरंत मिल जाती है, क्या टेंशन है? यही फोटो गए होगे तुम, तुरंत जमानत मिल जाती है, नेक्स्ट डे छूट जाएंगे आराम से, फिर रंगलिया घुमाएंगे, मजा मचाएंगे। पिताजी का नाम क्या है तुम्हारे? कहाँ तक पढ़े हो? 12वीं पढ़े हो। पहले क्या काम करते थे? सर कुछ काम नहीं करता था, ऐसी सब्जी मंडी में। वो काम भी इससे अच्छा था, ये कौन सा बहुत अच्छा काम है जो बोलो पहले काम नहीं था, अब काम मिल गया। कब गए तुम? 10 दिन हुए सर। 10 दिन हुआ है, अब रहो इतने इंटरेस्ट के साथ अब जेल में रहोगे। 10 दिन का मूल है ना, कम से कम 5-6 महीने रहोगे। अब कोई डर नहीं था कानून का तुम्हें कि पुलिस पकड़ लेगी? डर हो तो वहां कैसे गए तुम? काम नहीं मिला, क्या काम नहीं, काम शुरू कर दोगे? काम नहीं मिला, चाकू पढ़ना शुरू कर दोगे तुम? काम मिल जाएगा, घोटना शुरू कर दोगे, छेड़ शुरू कर दोगे? काम नहीं मिला, ढूंढोगे काम? गया काम नहीं, काम शुरू कर दोगे? अब क्या, अब रहोगे जेल में? अब इस बार याद रखोगे तुम लोग, जिन धाराओं में कार्रवाई होगी तुम लोगों के खिलाफ। तुम्हें बाकी दोस्त जो छूट गए होंगे बताए होंगे कि कुछ नहीं होता, जाना होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर छूट जाते हैं जमानत लेके, यही सुने हो गए तुम? तो सुने तो हो गए, चलो छूटे हैं वो। क्या बोले थे वो लोग? नहीं उनसे कभी कोई कांटेक्ट नहीं था, जो कभी देखे नहीं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखे सर। क्या देखे? तो कोई डर नहीं लगा तुम्हें? हाँ पहले भी करते थे क्या तुम्हें काम? खुद भी डूबे, इसको भी ले डूबे। चलो रहो 6 महीने जेल में, चलो अंदर पीछे हो। सर इसमें किसका सतनाम का नाम लिया? सतनाम ले तुम? इधर इधर सद्दाम। सद्दाम सद्दाम कौन है? जरा आप लोगों का भी कान गूंज रहा है। सद्दाम, ये सद्दाम भैया तो घर ही बैठे एडिडास वाले। इधर आ जाओ, एडिडास का एड ही कर दिया तुमने। इधर आ जाओ सद्दाम भैया। भैया जी फट तो ऊपर करो यार, काम इतना बड़ा किए हो और फट नीचे रखे हो। कहाँ के जाने वाले हो तुम? हाँ फरीदनगर। सबसे ज्यादा तो वहीं के लोग भर्ती हुए हैं। कब से काम कर रहे हो तुम ये? अभी हुआ था एक महीना का। 4 जनवरी फिर बुकलेट है, सुनाते हो? झूठ बोलते हो? झूठ बोल रहा है क्या रजिस्टर? 4 जनवरी ऐसे कैसे प्लानिंग में? अंबिकापुर को क्यों चुना तुमने? अंबिकापुर? अरे यार फट तो ऊपर कर लो, नहीं तो बहुत तरह के इलाज है मेरे पास, पता है तुम्हें? हमेशा फिर आओ, परमानेंट फिर झुकेगा ही नहीं फिर कभी। ठीक है, तुम्हारे जैसे लोग फिर इंजेक्शन के लायक है, फिर ऊपर करो। ये अंबिकापुर में जाने को क्यों चूज किया तुम लोगों ने? घूमने मैन पार्ट घूमने गए थे जनाब, तो मैन पार्ट अंबिकापुर होते हुए गए तो मैन पार्ट घूमने। तुम बोला जहाँ घूमने जाओगे वही खोल दोगे ब्रांच अपना? ये कब गए थे मैन पार्ट घूमने? एक महीने से ज्यादा हो गया। मैन पार्ट घूमने गए उसके फिर क्या किया तुमने? अंबिकापुर पसंद आ गया तुम्हें? और अंबिकापुर में वो रेंट पे लिए कैसे लिए? रेंट पे लिए तो? हाँ रेंट पे लिए तो मकान। कितने हजार में रेंट पे लिए? हाँ 10,000 में। उसको बताए थे क्या रेंट वाले को कि ये हम लोग चलाने वाले हैं? बोलो डाउट नहीं कि इतने लैपटॉप इतने मोबाइल लेके बैठे रहते हैं इतने इतने लड़के, और तुमने एक साथ 3-3 ब्रांच चला दिया। अभी तक मैंने 1 ब्रांच 2 ब्रांच देखा, तो टॉपर हो एक साथ 3-3 ब्रांच। अरे सबका बुकलेट है भाई,
इतने लैपटॉप, सात सात लैपटॉप लेके बैठे हो, तो ये सब खरीदे कहाँ से? लैपटॉप से अंबिकापुर से खरीदे। तो एक साथ सात लैपटॉप खरीदे, डाउट नहीं हुआ उनको? फाइनेंस में लिए हो? अरे भाई फाइनेंस कराए हो, कितने का फाइनेंस कराए हो? तो जब्त हो गया, फाइनेंस होगा क्या होगा तुम्हारे? और तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तो ये महादेव का काम का तुमको वो आईडी वाईडी कहाँ से मिला? दोस्त कौन है? कहाँ पे? इंस्टा आईडी। इतना हाईफाई इंस्टाग्राम है जना, इंस्टा आईडी। तो इंस्टा आईडी उनका आईडी तुम्हारे पास कहाँ पे आया? नोटिफिकेशन आता था सर, उसी में से देखे थे, तो उसमें से बात किए थे, फिर मिला था। हाँ, नोटिफिकेशन तुम्हें क्यों आता था उसका? मैंने एक दो बार चेक किया था उसको। एक दो बार चेक किया था, मतलब तुम्हें लगा इस काम में घुसना है? इससे पहले भी चलाते थे कहीं और आईडी? तो अंबिकापुरी क्यों गए तुम? वहां तो मैंने मैनपाट पे आए, तो रास्ते में तो बहुत सारी जगह है, मैनपाट के रास्ते में तो बहुत सारी जगह पड़ते हैं, तुमने अंबिकापुरी क्यों चुना ये बताओ? क्या पसंद आया तुम्हें अंबिकापुर? इतना दूर तुम गए, दूर से कहीं आप बीच में कहीं रास्ता दूर के बाद तो इतनी जगह आता है, रायपुर आता है, बिलासपुर आता है, कोरबा आता है, सब पहुंचता है अंबिकापुर। तुम्हें रास्ते में क्यों नहीं चुना कोई दूसरा जगह तुमने? इतना दूर ये लोग जाने को, बगल में करोगे तो आराम से चले जाते ये लोग। अरे ठीक है बताओ यार। हाँ गलती तो हो गई, वो गलती को तो सजा भी मिलेगी, लंबा रहोगे। एक साल से पहले निकले तो मुझे बताना, तो मास्टर माइंड के ऊपर सब धाराएं लगाना। ये जो है ना किसी भी हाल में जमानत नहीं हो, सजा होनी चाहिए इसको माननीय न्यायालय से। तुमने अंबिकापुर को क्यों चुना? अंबिकापुर कोई क्यों चुना तुमने? एक दो बार गए थे वहां, कोई लोकल कांटेक्ट था जो मदद किया तुमको इसमें? अरे भाई रेंट दिलाने में, खरीदाने में, नया आदमी नई जगह पे जाएगा, कौन फाइनेंस से सामान देगा? मुझे बेवकूफ समझते हो तुम? हाँ कौन था, क्या नाम था उसका? रौनक। हाँ उसकी जो रौनक अभी उतर जाएगी, वो क्या काम करता है रौनक? वो भी यही काम करता है, ऑनलाइन बेटिंग का। दोस्त एक तरह के पक्षी एक साथ उड़ते हैं, वैसे ही हो तुम दोनों, तुम और रौनक। रौनक क्या काम करता है? पहले वो कबाड़ी का काम करता था। कबाड़ी? अब कबाड़ी वाले सोच रहे कबाड़ी से ज्यादा प्रॉफिट तो इसमें है। कबाड़ी भी हाईटेक हो गए देखो, कबाड़ नहीं रहा भाई वो कोयला वाला ढोता है। कोयला भी ढोता है? अरे ये दिखाओ, अरे ये दिखाओ यार, इम्पोर्टेंट चीज है, कोयले का काम भी करता है ये, तो मल्टीपल सर गाड़ी का नंबर वजन कोयला। अरे भाई कोयला कारोबारी भी है ये। कौन है ये? ये किसका है रजिस्टर भाई? पड़ा हुआ था रूम में, ऐसे ऊपर आसमान से गिर गया तुम्हारे कमरे में ही। बिल्टी बिल्टी है सर, कहाँ से कहाँ? हाँ हाँ करता होगा ना कोयला का काम भी, ये आजकल मल्टीपर्पज वर्कर है ना ये। दिन में काम किया कबाड़ी का, रात में काम कर लिया है इसका, कोयले का भी कर रहा है हेरा फेरी। तुम तो किससे मुलाकात हुई थी? इंस्टा पे किससे बात हुई थी? इंस्टा पे किससे बात हुई थी जनाब? उसमें आता था कि महादेव ऐप पे सब चीज। अरे नाम भी तो कुछ होगा आईडी का? आईडी नंबर रहता था उसमें। पैसे दे दिए बिना भरोसे के? नहीं पैसे नहीं दिए। कितने में मिला तुमको ये आईडी? आईडी का पैसे नहीं दिए। फ्री में दे रहे हैं आजकल? फ्री में दे रहे हैं? फ्री में था। अरे फ्री में कहां देते हैं? यूजर नेम क्या था जिस इंस्टा पे इनकी बात हुई थी? उसका यूजर नेम अभी फोन से निकालेंगे ना इसका, उसका यूजर नेम बताओगे ना हम लोगों को? हाँ सर उसमें आता था, उसी में निकाल के चेक कर लेते थे। क्या नाम आता था? क्या नाम आता था? कभी शेयर प्ले आता था, ऐसे करता था। अरे तुम अभी थोड़ी सेवा होगी तो फिर मेवा निकलेगा, ऐसा है ना भाई? यार तुम प्यार से बात करता हूँ फिर भी तुम ऐसे पेश आ रहे हो। सॉरी सर, मुझे कभी देखे नहीं तुम कहीं फेसबुक पे या कहीं पे? देखे नहीं देखे मुझे कभी? कहाँ देखे हो? क्या देखे? तुम्हें कोई डर नहीं हुआ ये काम शुरू करने में कि पुलिस पकड़ लेगी? हाँ होता तो इतनी बड़ी सेना खड़ा कर लेते तुम। साजिद सेना नाम क्या था? साजिद ही है ना? सद्दाम। सद्दाम सेना। अरे भाई नाम भी बोलना गड़बड़ है। सद्दाम सेना भाई, पूरी सेना सेनापति हो तुम।